वेलकम टू ग्रीडी कल्पर। मैं अनन्या और कैमरा के पीछे प्रोशनजीत, और आज हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं दार्जिलिंग सीरीज एपिसोड 3। होप आपने हमारा पुराना एपिसोड सब देखा है। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन जरूर क्लिक करिए और जरूर देखिए हमारा पिछला एपिसोड्स। आज हम लोग का डे 3 है ताबाकुशी में, और हाँ ऑफ कोर्स, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ टी गार्डन्स। नामगेल दाजू है हम लोग के साथ। हम लोग को यही दाजू लाए थे मिरिक से ताबाकुशी। अभी यही हम लोग को लेके जाएंगे टी गार्डन, एज वेल एज हम लोग आज मिरिक भी घूमेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का ट्रैक एंड जर्नी। हम लोग टी गार्डन, और मैं टी गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा घूम लूँ, आप लोगों को भी घुमाती हूँ। चलिए असली नॉर्थ बंगाल। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो एक्चुअली ये टी का सीजन नहीं है, जिसके वजह से अगर आप टी का लीव्स देखोगे, ये देखिए इसमें कोई भी पत्ती नहीं है। ये देखिए अभी जैसे पत्ते आना शुरू हुआ है। टी गार्डन देख लिए, अब जा रहे हैं हम लोग मिरिक घूमने। ताबाकुशी टी गार्डन सब घूमते घूमते हम लोग दोबारा आ गए हैं मिरिक। मिरिक हम लोग का घूमना हुआ नहीं था, खाली ट्रांजिट पॉइंट था। तो आज हम लोग आए हैं मिरिक घूमने और ये लेक देखने, मिरिक में जो फेमस लेक है। क्योंकि ताबाकुशी में पॉपुलेशन कम है एंड इट्स अ कोविड फ्री जोन, तो हम लोग मास्क उतना पहने नहीं थे। बट मिरिक इज़ अ टूरिस्टिक प्लेस, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसीलिए मास्क ऑन अगेन। मिरिक लेक वो एक ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करके हम लोग वो पाइन फॉरेस्ट में जाएंगे। मिरिक में बोटिंग, हॉर्स राइडिंग जैसे काफ़ी एक्टिविटीज़ है। ये जगह है, यहाँ से बोटिंग शुरू होता है। आइए आपको दिखाते हैं ये जगह। हम लोग बोटिंग नहीं कर रहे बट आपको दिखा देते हैं। प्लेस जहाँ से आप लोग बोटिंग कर सकते हो। ये जो ब्रिज है सामने, ये ब्रिज से जस्ट थोड़ा आगे आके ही राइट साइड में आपका आएगा, दिस इज द प्लेस। हॉर्स राइडिंग जो है वो ब्रिज क्रॉस करके उस तरह से शुरू होता है विद इन द पाइन फॉरेस्ट। मिरिक इज़ एट द हाइट ऑफ 4,905 फीट फ्रॉम सी लेवल, और इसका जो हाइस्ट पॉइंट है वो मोनेस्ट्री, ब्रोक मोनेस्ट्री, विच इज़ एट 5,800 फीट अबव सी लेवल। हम लोग वो मोनेस्ट्री आज नहीं जा रहे हैं बिकॉज कोविड के वजह से वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन कि मोनेस्ट्री अभी बंद है, तो जाके फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अभी यही लेक और पाइन फॉरेस्ट घूमते हैं मिरिक में। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ब्रिज के इस तरफ से टुवर्ड्स दिस एंड ऑफ द ब्रिज बोटिंग के लिए यू गॉट दी स्लॉट्स। देखिए यहाँ से यू हायर द बोट एंड पीपल गो फॉर बोटिंग।
और अगर आप ब्रिज क्रॉस करते हो वहाँ पे देखिए हॉर्सेज हैं, पोनी है, सो यू कैन गो फॉर हॉर्स राइडिंग। वो अक्रॉस द पाइन फॉरेस्ट लेके जाते हैं कहीं पर। टी गार्डन देखना हो गया, लेक देखना हो गया। अब आज के दिन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आज रात को हम लोग ग्रीडी गर्ल पर डिनर बनाएंगे होम स्टे में, तो उसके लिए सामान भी तो खरीदना होगा। तो अभी जाएंगे हम लोग मिरिक मार्केट, वहाँ से जो भी हम लोगों को लगेगा वो खरीदेंगे। अनफॉर्चुनेटली मिरिक में मॉनेस्ट्री बंद था बिकॉज ऑफ कोविड, इसीलिए ऑल दैट वी कुड सी इज़ द मिरिक लेक, और वहाँ पे ड्रोन शॉट्स भी नहीं ले पा रहे थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके रात को एज इट इज़ हम लोग को डिनर बनाना था, तो हम लोग चले गए मिरिक में ग्रॉसरी शॉपिंग करने। बस ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, काजू किशमिश हो गया। दीदी ने बोला है कि हल्दी सॉल्ट सब है। अच्छा, मेरे को आटा दीजिएगा। आटा? हाँ, पैकेट वाला नहीं, मेरे को लूज चाहिए। 200 ग्राम। 200 आटा का हलवा बनाएंगे फॉर डेजर्ट। घी जो खरीदे एक डेयरी दुकान से खरीदे, आई डिड नॉट क्वाइट लाइक द घी, क्योंकि मुझे पता नहीं स्मेल कैसा होगा, उनका लोकल घी है। बट लेट्स ट्राई क्या है। आपके पास घी कुछ अच्छा स्मेल वाला है? कम से कम एक स्मेल के लिए ले लेती हूँ ना, 2 चम्मच डाल दूँगी, क्योंकि पुलाव में या फिर घी का स्मेल नहीं आता है। तो आज हम लोग बनाएंगे अपना बासमती पुलाव, जो मेरा YouTube चैनल में है, आटा का हलवा एंड चना दाल। 500 का खुचरा देंगे। कितना पुराना दुकान है दीदी आपका? 120 ईयर्स। हैं? क्या बोल रहे हैं? Excuse, क्या नाम है दुकान का? मुक्तान। मुक्तान माने ये दुकान आपके ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर के फादर? ग्रैंडफादर के फादर। थैंक यू। सामान ऑलरेडी रख डल गया है, चलिए चलते हैं। टी गार्डन घूम के और मिरिक में मार्केटिंग करके बहुत जोरों का भूख लग रहा है। आ गए हैं अभी होम स्टे में और गर्मा गर्म खाना तैयार। और मालूम है क्या, आज तो मेरा फेवरेट बना है गुंदरू। आज तो गुंदरू के साथ खाएंगे चावल, साथ में दाल, अंडा का सब्जी, आलू भाजा, पापड़, सलाद और किनेमा। ये मैंने दीदी से पूछा, ये सोयाबीन जिससे बनता है ये उसी से बनाया हुआ है, और इसको चारकोल में डाल के 2-3 दिन रखना पड़ता है, उसके बाद तोड़ मतलब निकाल के धो के उसके बाद ये बनता है। ओहो, गुंदरू एक तरह का सूखा साग होता है जो अवेलेबल रहता है, कोई भी तरह का साग को, राई साग या फिर कुछ भी, को उन लोग मतलब एकदम सूखा करके ड्राई कर लेते हैं। एंड फिर क्या करते हैं, एज एंड व्हेन गुंदरू बनाना होता है थोड़ा थोड़ा पानी में भिगा के रखते हैं, और उसके बाद प्याज और अदरक डाल के गर्म पानी डाल के ऐसा सूप जैसा बनाते हैं। आज मटर का दाल बनाया है, आज चावल कम खा के 2 प्लेट यही खा लूंगी, 2 कटोरा आई मीन गुंदरू। और अब अंडा करी टेस्ट करते हैं। अंडा करी लुक्स रियली रिच। इसमें भी गरम मसाला बिल्कुल नहीं है। झाले पिसा हुआ मिर्ची डाला है ना आपने इसमें? पिसा हुआ मिर्ची डाला हुआ है,
लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट है। एक हल्का सा लहसुन का स्मेल आ रहा है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। लंच कर लिए, फिर पता चला कि और भी दो तीन और टी गार्डन्स है जो छूट गया है, उसमें से एक गोपाल धारा है, तो वो कैसे मिस कर सकते थे। फिर चले गए घूमने, घूमते घूमते आ गए हम लोग अपना दूसरा टी गार्डन में, जो है थर्बो टी गार्डन। सुबह हम लोग गए थे नाइजल टी गार्डन। थर्बो टी गार्डन में जो प्रोडक्शन होता है ये पूरी तरह से गुटरिक टी के लिए ही यूज होता है। और वो देखिए पीछे जो है वो यहाँ पे जो टी एस्टेट पे काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए हॉस्पिटल भी है। प्लस ये एंटायर टी वास्ट टी गार्डन देखिए। अभी मालूम है मैं कहाँ हूँ? गोपाल धारा टी एस्टेट। और मैं यहाँ आके इतनी खुश इसलिए हूँ बिकॉज गोपाल धारा का चाय मैं रेगुलर पीती हूँ और ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है। जब इतना कुछ मैं आपको चाय के लिए बता ही रही हूँ तो बेसिकली बता दूँ आपका, यहाँ पे इस एरिया में जो चाय हो रहा है दैट इज़ बेसिकली द लीफी टी। आप अगर हम लोग का देखेंगे वीडियो दार्जिलिंग टी जैसे बनाया जाता है, लाइक व्हाइल यू पुट इन हॉट वाटर लीव्स खुलता है, ये उसी तरह का ये गार्डन्स में वही टी आपका बनता है। बेसिकली चाय अगर आप देखोगे चार फ्लश होता है चाय का। फर्स्ट इज द फर्स्ट फ्लश जो आपका प्लकिंग होता है इन द मंथ ऑफ मार्च, और ये आपका जनरली एक्सपोर्ट क्वालिटी ही रहता है और इसका लॉन्जिविटी इज़ वेरी लेस। मोस्टली आपका यूरोपियन कंट्रीज इंग्लैंड में ये एक्सपोर्ट हो जाता है और इसका फ्लेवर इज़ दी बेस्ट, बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है और इसका कलर इज़ पेल गोल्डन कलर। अच्छा, सेकेंड फ्लश जब आता है दैट इज़ इन द मंथ ऑफ मे, द फ्लेवर इज ऑल्सो वेरी गुड। जनरली इन इंडिया वी गेट द सेकेंड फ्लश और इसका कलर अगर आप देखोगे तो गोल्डन पेल से धीरे धीरे ये गोल्डन कलर में आता है। नाउ द थर्ड फ्लश जो आता है दिस इज द मॉनसून फ्लश और ये आता है आपका इन द मंथ ऑफ अगस्त, और ये वाला लीव्स आर जनरली यूज फॉर टी बैग्स और इसका एक बिटर टेस्ट भी आ जाता है। और द फोर्थ फ्लश जो रहता है साल का दैट इज द ऑटम फ्लश और ये आपका आता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उस टाइम पे प्लकिंग एंड प्रोसेसिंग होता है। दिस इज जनरली कम्प्लीटली ब्लैक कलर और बिटर रहता है, बट स्टिल यू स्टिल हैव दैट फ्लेवर। फिलहाल एंजॉय करिए वादिया। आ गए हैं मांगरजुट में भादुर गांव, विच इज वेरी फेमस फॉर ऑरेंजेस, इसको ऑरेंज विलेज भी बोलते हैं। देखिए मेरे चारों तरफ खाली ऑरेंजेस ही ऑरेंजेस वेरियस कलर्स के, मतलब संतरा का क्या हेवन ऑफ संतरा बोल सकते हैं आप इसको। वाओ, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। उधर भी देखिए पूरा ऑरेंज है। चलिए लेके जाते हैं आप लोगों को। डिनर बनाना शुरू, लेकिन डिनर में हम लोगों ने गैस में बनाया बिकॉज चूल्हा संभालना हमारे बस का बात नहीं था और कभी किया भी नहीं था। कोशिश किए थे बट हीट कंट्रोल नहीं हो पा रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो गैस में ही हमने बनाया। आज दीदी को हम लोगों ने छुट्टी दे दिया है, छुट्टी नहीं दिया है, वो मेरे लिए चिकन बना रही है चिकन। और दीदी और सबके लिए आज हम लोग बनाने वाले हैं मेरा ही चैनल का बासुंती पुलाव जो मैंने बनाया था। तो चावल को हमने मैरिनेट करके रख दिया है,
अभी दाल बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब लोग वेज है मेजरली, तो उनके लिए एक दाल बना रहे हैं और आटा का हलवा मैंने बना लिया। इसमें घी थोड़ा कम डाला है, आज कम घी से आटा का हलवा बनाए हैं, तो देखते हैं आज का खाना कैसा बनता है सब मिला के। अभी दाल बन रहा है, ये दाल अभी तक चैनल में आया नहीं है, आएगा आएगा, हैव पेशेंस। आज अनन्या मैडम ने बनाई है पुलाव। क्या पुलाव है ये मैडम? है बासंती पुलाव। बासंती पुलाव और दाल? दाल छोला दाल। छोला दाल और चिकन हलवा। हलवा तो आज टेस्ट करके देखेंगे कैसा हुआ। चलिए खाइए, देखिए कैसा हुआ, कैसा लगा। बढ़िया बढ़िया टेस्ट। आप सीख गए बनाना। अभी आप बनाएंगे अपने गेस्ट के लिए। फ्लेवर बढ़िया है, फ्लेवर बढ़िया है। थोड़ा हलवा खा के थोड़ा सा एकदम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये तो डेजर्ट है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके हलवा खाइए। अच्छा है, हलवा भी अच्छा है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। चलिए सब बोल रहा है अच्छा है, थोड़ा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कैसा है। दाल भी बढ़िया है। क्या क्या डाला है दाल में? मसाला भी डाला है क्या? अदरक लहसुन। दाल तो बहुत बढ़िया है, अच्छा बना है। बासमती पुलाव भी ठीक ठाक ही है, जैसा मेरे चैनल में हुआ करता है। अच्छा है। तो अभी हम लोग सब बैठ के डिनर कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही। चलिए फिर, गुड नाइट। थैंक गॉड सबको हमारा खाना अच्छा लगा। उफ, इट वॉज़ अ हिट। थोड़ा टेंशन में थी बट चलिए हो गया सब। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप लोगों को थोड़ा भी लगे कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।